नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूं एनसीईआरटी के स्पेशल लाइव फोन इन कार्यक्रम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हेल्पलाइन, जहां आप पूछ सकते हैं अपने परीक्षा से जुड़े सारे सवाल हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, और साथ ही उपस्थित है मिस ऋचा तिवारी, पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत, और साथ ही हमारे साथ उपस्थित है मिस सुनीला, स्कूल काउंसलर, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। अगर आपके भी परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। नंबर है 1800-111-2265 अथवा 1800-112199, और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं ciet.kishormanch@gmail.com, और साथ ही आप हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट कर भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है NCERT ऑफिशियल। और चलिए इसी के साथ हमारे आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रुचि, बच्चों को अभी भी टेंशन है लेकिन अब उनको प्रिपरेशन भी करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो टेंशन के साथ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? टेंशन या स्ट्रेस जो है वो एक साइंटिफिक फिनोमिनन जो समझा जाता है, उसमें ये समझा जाता है कि गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम लोग अक्सर यू स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, इज गुड जी। बिकॉज जब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो दैट गिव्स यू द इंटरनल मोटिवेशन टू वर्क फॉर समथिंग। तो थोड़ा स्ट्रेस तो अच्छा है, बट जब ये स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है, जब ये हमारे कार्य को सुगम बनाने की जगह उसको मुश्किल बनाने लगता है, तब चिंता का विषय बन जाता है। और इस स्थिति में आने के कई कारण होते हैं, बचने की भी कई वजह कई तरीके होते हैं। तो अगर छात्र ये समझें कि एक एग्जामिनेशन इज नॉट दैट 15 दिन या 1 महीना, एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे यू एंटर दैट न्यू सेशन ऑफ योर क्लास। अगर उस दिन से आप अपने काम को सीरियसली और रेगुलरली करने लगेंगे जी, तो आपका ये जो स्ट्रेस है ये हमेशा तो वो ऑप्टिमम यू स्ट्रेस लेवल पे ही मेंटेन रहेगा। क्योंकि जब आपका बैकलॉग बढ़ जाता है, जब आपकी समझ से चीजें आपके कंट्रोल और आपकी क्षमता से ज्यादा हो जाती है, तब आप डरना शुरू करते हैं। सो मैनेज योर लर्निंग, मैनेज योर प्रेपरेशन राइट फ्रॉम डे वन। और साथ में जो टिप्स होती हैं जनरल, कि खाइए अच्छा, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, अपने आप को समझिए, और कुछ लोगों से बात करके अपनी मुश्किलों का लगातार निरंतर हल ढूंढते रहिए। दीज आर द नॉर्मल टिप्स। सुनीला जी, अगर आप बता पाए बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आप कुछ गाइड कर पाए, जैसे इस एग्जाम पास आता है ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो अगर आप बता पाए इसके बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स इजी लगते हैं, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो पहले से ही उन, जैसे अभी कुछ 15 डेज अगर हम एग्जांपल लें कि रह गए हैं उनके एग्जाम आने में, तो वो पहले जो उनको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं उनकी रिवीजन पहले स्टार्ट करें। क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है ये तभी होती है जब आप कुछ आपको डिफिकल्ट लगता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग। तो अगर आप जो आपको चीज़ को डिफिकल्ट लगती है उसको ही पहले हैंडल कर लेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा। तो प्रायोरिटाइज करें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होने लगेगा। अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से कंटिन्यूसली आपको टच में बने रहना है। आपको वो फीलिंग जो स्ट्रेस की हो रही है वो अकेले नहीं रखनी अपने तक, क्योंकि अकेले रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं अगला प्रश्न यहाँ पर लेना चाहूंगी हमारे वन ऑफ द व्यूअर, दे हैव सेंट इट, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेमोराइज सोशल स्टडीज। तो अगर ऋचा जी आप बता पाए। जैसा देखा गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थ्योरी पेपर्स में यही आती है कि उनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और स्पेशली सोशल साइंस को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं जी। तो अगर सोशल साइंस को भी अगर हम रीड करते समय उसको साथ साथ समझते चलते हैं, प्लस अगर हम जो भी कंटेंट याद कर रहे हैं उसको हम पॉइंट वाइज तैयार करते हैं, बजाय बड़ा लंदी टेक्स्ट तैयार करने के, अगर हम उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लें और हेडिंग्स बना लें और उन हेडिंग्स को तैयार करें तो शायद ज्यादा बेहतर रहता है। और जिस समय हम चैप्टर रीड करें, जैसे अब आजकल पैटर्न चेंज हो गया है पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो अगर
छोटे क्वेश्चंस हैं, वन मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो जिस समय हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं हम साइडवेज उसको लिखते चले जाएं, मेंशन करते चले जाएं उन पॉइंट्स को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस पेज पे पर्टिकुलरली. और जब हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तब हमें उसमें पॉइंटर्स और हेडिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, इनके लिए हम चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं. वो बहुत ही बढ़िया एक तरीका है याद करने का, क्योंकि वो हमेशा एक कहते हैं पिक्चर मेमोरी जो होती है वो सबसे अच्छी मेमोरी होती है. तो जिस समय हमारे दिमाग में वो पिक्चर आती है बस उतने से ही हम अपना पूरा आंसर तैयार कर सकते हैं. तो इट इज अ वेरी गुड वे. और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, खैर तुषार जी ने भेजा था, अक्सर बच्चे हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप जब आते हैं क्वेश्चंस तो उसमें आंसर कैसे करना है. फॉर एग्जांपल उनका कहना है कि एग्जामिनर जो है वो सिर्फ जब चेक करते हैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट रीड करते हैं, कुछ का कहना है कि सिर्फ लास्ट जो हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं वो रीड करते हैं, तो एक्चुअल में है क्या आप बताएं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जामिनर केवल इंट्रोडक्शन रीड करता है या केवल एंड पार्ट रीड करते हैं. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बताते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को कि आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हो आगे के मैटर में, और कंक्लूजन ये बताता है कि आपने क्या पूरा समअप किया है अपने आंसर को. तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग आंसर के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यदि आप अपने सारे पॉइंट्स को हेडिंग वाइज तैयार करते हैं और हेडिंग्स मार्क करते हैं, एप्रोप्रिएट हेडिंग्स अगर आप बनाकर आंसर देते हैं तो वो सबसे बढ़िया तरीका. जनरली ये देखा गया है कि बच्चे पैराग्राफ्स में, लेंदी लेंदी पैराग्राफ्स में आंसर देते हैं, आंसर में कंटेंट पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी पैराग्राफ्स बहुत लेंदी है. टू द पॉइंट आंसर हो, पॉइंट्स पे हो, हेडिंग्स दी गई हो, और जहां कहीं भी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं या किसी और तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उनमें फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा मेंशन किया जाए. ये हमेशा स्कोरिंग रहता है और हमेशा ये एक अच्छा स्कोर लाने में मदद कर सकता है. जी, इधर थोड़ा सा यदि मैं ऐड कर सकूं, दो रिचा ने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली चीज़ बता दी है, पर सोशल साइंस का जहां तक सवाल है, अक्सर देखा गया है कि मैटर बहुत होता है और कभी कभी टाइम पॉसिटिव हो जाती है. तो ऐसे में एडवाइजेबल है कि हम फ्लो चार्ट्स जब अपना आंसर का कोई एक पोर्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं तो एक फ्लो चार्ट ऊपर बना के उसमें सारे पॉइंट्स दे दें. आपको याद रखने में आसानी है, एग्जामिनर को एक बार में देखने से समझ आता है कि ही नोज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड ही नोज व्हाट इज ही गोइंग टू राइट. वो एक होता है. दूसरा एक तरीका ये होता है ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिनर को प्रेजेंट करने के लिए कि आप दो कॉलम्स बना लीजिए, दो चीजों को अगर कंपेयर करने का क्वेश्चन है या एडवांटेज डिसएडवांटेज का क्वेश्चन तो आप कॉलम बना लीजिए और उन कॉलम्स के आगे पैरेलल में एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाइए. आपकी मेमोरी भी उसमें बेटर वर्क करती है, एग्जामिनर की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका लाइन ऑफ थॉट फ्लो करता रहता है. सो दीज स्ट्रेटजीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड. सुनीला जी, मतलब हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं, जब डिफरेंसेस की बात होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है या कंपेयर किया जाता है जैसे कि अभी डॉक्टर रुचि ने बताया, तो उसको पॉइंटर्स में लिखना ठीक रहेगा या टू कॉलम्स बनाकर लिखना ठीक रहेगा? टू कॉलम्स इज द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लैरिटी से दोनों पॉइंट्स साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं तो आपके लिए भी इजी हो जाता है कि इसमें ये फैक्टर होता है और इसमें ये फैक्टर नहीं होता है. तो ये टू कॉलम इज द बेस्ट वे. जी, और ऋचा जी, हिस्ट्री अगर बात करें हिस्ट्री की, तो बच्चों का मानना है कि जितना सन हम लिखते हैं अगर डेट्स लिखें तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इज इट ट्रू और इट्स मिथ? नहीं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर देना भी चाहिए जी. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेट्स अगर आप मान लीजिए किसी कारण से भूल गए हैं तो ऐसा नहीं कि सारे मार्क्स चले जाएंगे. जितना भी आपने कंटेंट दिया है उस पर मार्क्स मिलते ही मिलते हैं. ओके, आपके अब कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा मार्क्स गलत हो जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है. ओके, लेकिन हाँ, जहाँ कहीं डेट का ही क्वेश्चन है, डेट ही पूछी गई है या डेट रिक्वायर्ड है, वहाँ तो डेट देनी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ डॉक्टर रुचि, यहाँ पे ओमान जी ने प्रश्न पूछा है, इज इट रियली पॉसिबल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट टू स्कोर 90+? Definitely, it is very much possible for anybody to score 90+ if the person puts in enough labor. Right. अगर last moment में आप preparation शुरू करके ये aim रखेंगे या तो problem है, लेकिन यदि आप साल के शुरू से काम करेंगे, अपने आप को समझ के काम करेंगे और एक scheduled fashion में काम करेंगे तो ये ऐसा aim नहीं है जो achievable ना हो. जी, बिल्कुल achieve किया जा सकता है.
और गौतमी जी का प्रश्न है, थिंग्स टू डू एंड नॉट टू डू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, तो यहाँ पर सुनीला जी आप बता पाए उनको। सबसे पहले जो आजकल मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ बच्चे एग्जाम पे जाते वक्त कर रहे हैं, कि कभी वो अपना एडमिट कार्ड भूल रहे हैं, तो कभी अपना स्कूल का आई कार्ड घर भूल जाते हैं। तो जब आप सुबह सुबह एग्जाम पे जाते वक्त ही एक एंग्शियस वे में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है अंदर अंदर कि पता नहीं मुझे एग्जाम के अंदर अब घुसने देंगे कि नहीं, तो बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको चलना है। आपको रात से ही अपने पाउच के साथ अपना एडमिट कार्ड रख देना है। सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट लेना है ताकि आपको हेडेक ना हो जाए, एसिडिटी ना हो जाए। तो ये जो है कुछ डूज हैं जो हम बताते ही रहते हैं कि बहुत कॉशियस वे में आपको चलना है। सुबह ज़्यादा रिवीजन नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो माइंड में काफ़ी मिक्सअप हो जाता है सब कुछ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन करते रहते हैं, अलग अलग बुक्स से सुबह सुबह पढ़ते रहते हैं। तो ये तो कुछ डोंट्स है जो आपको नहीं करने हैं कि हमेशा अपना, और क्या करना है आपको, अच्छे से ब्रेकफास्ट लेके जाइए, सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखिए, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं जब आप वो बार बार सोचेंगे तो जो आप आता है वो भी भूल जाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना आने दें, अपने मन में विजुलाइजेशन करें कि मैं एग्ज़ाम के बाद निकलूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि वाह मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया है, कल का एग्ज़ाम मुझे इससे भी अच्छा करना है। तो पॉजिटिव रहें जी। और हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग से आपके प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। आकांक्षा दुबे जी और अत्याब अरशाद जी ने प्रश्न भेजा है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है क्लास 10th का कल, तो कुछ टिप्स फॉर दैट, कौन सा सेक्शन स्टार्ट करें, अगर आप लोग कुछ गाइड कर पाए, और थोड़ा नर्वसनेस भी है दोनों बच्चे को। डॉक्टर रुचि, आप कल एग्ज़ाम है तो कुछ स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने जो नोट्स हैं, जो ब्रीफेस्ट फॉर्म ऑफ नोट्स है उसको रेफर करिए और रिविजन करिए, और कोशिश कीजिए कि 7 बजे के बाद जस्ट रिलैक्स, गो ऑफ टू बेड अ लिटिल अर्ली, और जो चीज़ें मैम ने अभी पॉइंट आउट की हैं उनका ध्यान सोने के साथ ही शुरू कर दीजिए जी। स्लीप विद अ गुड थॉट दैट टुमारो इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, इट विल बी अ वेरी नाइस पेपर, एंड डोंट बॉदर टू मच, यू नो इट ऑल एंड यू विल डू वेरी वेल। राइट सुनीला जी, कुछ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग दैट इन इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ यू आर मेकिंग द पोस्टर्स, नोटिसेस और थिंग्स लाइक दैट, तो आप उसमें बहुत अच्छे से स्क्वायर बॉक्सेस बनाएं, अपनी पेंसिल शार्पेंड यूज़ करें, स्टेशनरी खुद लेके जाएं, ये ना सोचें कि कल मैं किसी से मांग के काम चला लूँगी, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है बार बार। तो प्रेजेंटेशन, नीटनेस, क्रिस्प पॉइंट्स, यूज़ ऑफ बुलेट्स, और अपना जो डेट का फॉर्मेट है, ईयर का फॉर्मेट है, कि उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है या नीचे कॉमा लगाना है, सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाना है या नहीं लगाना है, कि कंप्यूटर फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, तो ये सारी बातें इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न भेजा है राहुल जी ने, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करें। मिस रिचा, लास्ट मिनट रिवीजन की अगर बात की जाए तो जैसे अभी सभी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि लास्ट मिनट पर जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कुछ ना ही करें। हाँ, ये बात अलग है कि आप एक दिन पहले या जो भी आपका लास्ट, एक दिन पहले का जो भी लास्ट टाइम है स्टडी का, तो जितना कुछ आपका पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है, आप केवल वही रिवाइज करें। किसी नई चीज़ को एक दिन पहले या मॉर्निंग में, एग्जाम के उसी दिन मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, कुछ और चीज़ों में डाउट आ जाते हैं, जो आपका पढ़ा हुआ पहले का तैयार है वो भी डाउटफुल कभी कभी हो जाता है, इसलिए बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए। बाकी जितना भी आपने अभी तक तैयार किया है उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसको एक बार देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर भेजा गया है, वन ऑफ द व्यूअर हैज सेंड इट एंड शी इज आस्किंग, स्कोरिंग मार्क्स इन सोशल साइंस इज क्वाइट टफ एज आई हैव एक्सपीरियंस दिस ड्यूरिंग माई प्री बोर्ड्स, वॉट टू डू नाउ। सो मिस रिचा, ये ऐसा माना जाता रहा है हमेशा से कि स्कोरिंग डिफिकल्ट है, लेकिन अब काफी हद तक पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है जी, और इस नए पैटर्न के साथ तो बहुत इजी हो गया है मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए पैटर्न में 1 मार्कर्स जो है वो 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 20 मार्क्स ये आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप 1 मार्क क्वेश्चन को सही से आंसर करते हैं, और 1 मार्क क्वेश्चंस में भी बहुत अच्छा लेवल है, मैचिंग आ रही है, पिक्चर्स आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली आंसर करना, मल्टीपल चॉइस है, आंसर करना इजी होता है, तो ये स्कोरिंग है। प्लस इसके अलावा जो आप आंसर वन लाइनर्स भी आ रहे हैं जी, उनमें भी आप एक वर्ड में या एक पर्टिकुलर किसी एक सेंटेंस में आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये, और इसमें मार्क्स कटने की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती, तो एक नंबर का आंसर ये कंफर्म है आपका, तो 20 मार्क्स ये।
प्लस मैप वर्क जो 6 मार्क्स का है वो भी काफी स्कोरिंग है. तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. अब डरना नहीं चाहिए इस बात से कि स्कोर नहीं कर पाएंगे. शॉर्ट आंसर्स की और लॉन्ग आंसर्स की जहां तक बात है तो टू द पॉइंट आंसर करना जरूरी है. एक ऐसा सोचा जाता है कि लेंदी लेंदी लिखें, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है. आप टू द पॉइंट आंसर करते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं. जी सुनीला जी, यहाँ पर चलिए इससे पहले हम आपसे प्रश्न पूछे, जुड़ते हैं हमारे एक कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. ये साहिल, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th क्लास में. जी, अपना प्रश्न बताएं. मैम, पढ़ाई करने से पहले पबजी खेलते हम लोग. जी, तो फिर पढ़ाई करने के वक्त फिर पबजी का ही स्कोर रहता है. जी, और डिस्टेंस डिस्ट्रक्शन ज्यादा रहे. जी साहिल जी, क्लास 12th में है, ऑनलाइन गेमिंग का शौक है उनको. जी, आपको अब तक तो अपना मोबाइल हैंडओवर कर देना चाहिए था. इट्स एनीवेज टू लेट. अपना मोबाइल अपनी मदर या फादर को हैंडओवर कर दीजिए प्लीज. यू डोंट रियलाइज दिस कैन, यू नो, दिस इज हार्मिंग योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट. तो जब मन करे पबजी खेलने का या कोई भी ऐसा गेम ऑनलाइन वाला खेलने का, तो प्लीज ब्रिंग इन थॉट्स लाइक दिस इज माई इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द लाइफ और मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा मोबाइल में या टीवी में या किसी ऐसी चीज में जो मेरे आगे की प्रोग्रेस में हानिकारक है. और इसमें आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आजकल एवरीबडी इज यू नो गेमिंग एन सो वो कैसे अपने इन अर्जेस को कंट्रोल करते हैं वो स्ट्रेटजीज यूज कीजिए. अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है तो टेक अ स्मॉल वॉक, गो एंड टॉक विद योर पेरेंट्स, सिट विद योर सिबलिंग्स, थोड़ा सा जैसे काम डाउन हो जाइए, गेट बैक टू स्टडी. राइट सुनीला जी, इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य आपको बताना चाहूंगी. वन ऑफ द चाइल्ड सेड टू द पेरेंट दैट कि जब मुझसे मोबाइल ले लिया जाता है या मेरा गेमिंग पैनल जो भी है वो मुझसे छीन लिया जाता है, सो आई जस्ट फील लाइक कि आई एम इन अ ज़ू और मुझे टाइम टाइम पर फीड किया जा रहा है कि आप आधे घंटे बाद मोबाइल ले लीजिएगा या आप जो भी आपका गेमिंग पैनल है वो आप ले लीजिएगा. तो ऐसे केस में बच्चा खुद कैसे रियलाइज करे कि येस आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ क्योंकि मुझे एग्जाम देना है. तो ऐसा कुछ टेक्निक है, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं? यस जी, एक्चुअली हम अपनी गेस्टॉल्ट थेरेपी में हम इस बारे में बात करते हैं कि वी हैव टू मेक द चाइल्ड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस दे आर डूइंग. हमें उनके अंदर एक अवेयरनेस लानी है कि वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पेरेंट्स इस चीज़ को अप्रूव करते हैं या फिर उन्हें सोसाइटी में अच्छी नज़र से देखा जाएगा कि उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. हमारा द ग्रेटर एम ऑफ एजुकेशन इज़ दैट वी शुड मेक आवर स्टूडेंट्स रियलाइज कि उन्हें अपने लिए ये पढ़ाई करनी है. तो हम लोग कई बार, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने तो इनफैक्ट ये एक स्ट्रैटेजी अपने बच्चों के साथ लिटरली करती हूँ कि एक एम्प्टी चेयर पे उनको बैठाती हूँ और मैं आई देन गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर यंगर सिबलिंग. अगर हम उन्हें ये रियलाइज कराएं कि अगर उनके छोटे सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है, अगर वो मार्क्स नहीं लाएंगे तो ये सारा ब्लेम उन्हीं पर जाएगा, तो वो विद इन 15 मिनट्स और हाफ एन आवर सेशन में ये रियलाइज करने लग जाते हैं कि ये जब वो खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने छोटे भाई बहन को और वो बोलते हैं कि हमें गेम खेलना है, हमें ये करना है, तब वो रियलाइज करते हैं. इनफैक्ट मेरे साथ एक, मैं शेयर करूँगी छोटा सा इंसिडेंट्स. वो स्टूडेंट हमेशा ये कहा करता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मुझसे ऐसे बात करते हैं. जब मैंने इस टेक्निक का उस पर यूज़ किया तो उस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम, अगर मैं पेरेंट होता तो मैं तो अपने बेटे की पिटाई कर देता, वो तो मुझे सिर्फ डांटते ही हैं. तो उसके बाद वो मुझे एक साल के बाद स्टूडेंट मिला तो उसने बोला कि मैम, नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज टू रियलाइज वी आर स्टडिंग फॉर आवर ओन सेल्फ्स. राइट ऋचा जी, यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी. ध्रुव जी का प्रश्न था, अभी तक उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है सोशल साइंस की, क्लास 10th में है, लेकिन क्या आप यूनिट वाइज वेटेज बता सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर यूनिट की पढ़ाई करे सो दैट ही विल पास. अगर अभी तक नहीं पढ़ाई करी है तो थोड़ा सा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये भी अच्छी बात है कि स्कीम में एग्जाम्स के पहले, जो दो एग्जाम्स हैं सोशल साइंस के पहले, 6 दिन का टाइम दिया गया है, तो अच्छा टाइम है रिविजन के लिए. लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर यूनिट वाइज वेटेज की जहाँ तक बात की जाए तो हर यूनिट को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी गई है और सभी का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है. जी, जैसे कि हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड.
जी तो जैसे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी चारों के लिए इक्वल मार्क्स को असाइन किया गया है जी, और चारों से ही इक्वल मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन चारों पर ही फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कवर हो जाती, उन पॉइंट्स को हम जल्दी ले सकते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, हमेशा लास्ट ईयर बैक ईयर पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तो अगर हम बैक 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करते हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रिपेयर करते हैं जी। इस वक्त मेरा एक सजेशन ज़रूर है कि आप जो भी तैयारी करें, बजाय चैप्टर वाइज या बजाय यूनिट वाइज तैयारी करने के, बेटर है कि आप क्वेश्चन वाइज तैयारी करें। आप एक एक पेपर सॉल्व करते हुए चलें बैक ईयर्स के, और अभी CBSE ने अपनी वेबसाइट पर भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं, तो उन सैम्पल पेपर्स को भी, और अच्छी बात यह है कि सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी हैं उसमें, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो आप सॉल्यूशंस उससे भी तैयार कर सकते हैं, तो आपको पूरा बुक को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उससे भी तैयार जी। डॉक्टर रुचि, काफ़ी सारे बच्चे हमें प्रश्न भेजते हैं और उनका यही क्वेरी है कि हम सजेस्ट करते हैं कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, तो उनका पूछना है क्या एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं उससे, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से? देखिए, पहले तो किसी चीज़ का लॉजिक समझना ज़रूरी है। जो सैम्पल क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जो उनको सॉल्व करने के लिए बार बार जोर दिया जाता है, उसके पीछे ये मंतव्य बिल्कुल नहीं होता है कि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। उसका लॉजिक ये है कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें और आपको ये अंदाज लगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आमतौर पे उनको करके देखने में आपको अपने आप को असेस करने में अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीजें आती हैं, मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया, इसको मैं अगर ऐसे करूं तो मुझे और कम टाइम में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, और आपको ये अंदाज भी लग जाता है कि कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं या क्या चीजें हैं जो आपको आती हैं लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। सो इंटेंशन ये है उसके पीछे, ये कतई इंटेंशन नहीं है कि सैंपल से या आपको जो पेपर्स दिए जाते हैं मॉडल के लिए वो आपको बिल्कुल भी इसलिए ओरिएंट नहीं करते कि इनमें से ही कुछ आएगा जी। सुनीला जी, यहाँ पर जोजो जी का प्रश्न है, एंड शी इज आस्किंग अबाउट, प्लीज टेल अस अबाउट द राइट स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग एग्जाम्स। ये बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत हायरार्की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चलें, कोशिश करें कि जैसे 1 मार्कर्स हैं तो उनको आप 17 है या 20 है तो आप उनको पहले उनका बना लीजिए स्पेस 1 से लेकर 20 तक, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लगती, तो 1 लाइन 2 लाइन का गैप आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप बहुत नीट वे में नेक्स्ट जो स्मॉल आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वेरी लॉन्ग आंसर्स हैं, वो अटेम्प्ट करें, बहुत नीट वे में लिखें। उसके बाद आप अपनी हेडिंग्स बहुत अच्छे से लिखें, उसमें बोर्ड्स में आजकल ब्लैक पेन यूज़ करना अलाउड नहीं है तो आप ब्लू से ही लिखें, उसे अंडरलाइन कर दें, और समराइज ज़रूर करें, इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, बीच में कीवर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर करें, बिल्कुल भी एंक्शियस ना होएं, बीच बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, और ये तो बिल्कुल भी सोचे ही ना कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, बस अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें, आई एम श्योर पेपर आपका अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर ऋचा जी, एक प्रश्न है मनीष जी का, जो कि कक्षा 6th में है, 6th क्लास में है, ही इज एंड ही इज सेइंग कि माय मदर फोर्सेस मी टू डू पूजा एंड शी सेज दैट कि पूजा करोगे तो एग्जाम अच्छा होगा, इज इट ट्रू? ये तो बिलीफ है, आप जितना ज़्यादा बिलीव करते हो। ये बात ज़रूर है कि आप अगर किसी फोर्स पर, किसी भी पावर पर अगर आप कुछ अपने आप को बिलीव करते हो तो वो आपके लिए एडवर्स सिचुएशन में मदद ज़रूर करती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो ज़रूरी है। डॉक्टर रुचि, इज़न्ट दिस पूजा इज़ रिलेटेड टू डूइंग मेडिटेशन, ताकि दिमाग एक जगह कंसंट्रेट हो? नहीं, मैं इसे इस तरीके से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे कि ऋचा जी ने बोला, इन सब चीज़ों का बहुत ही साइकोलॉजिकल बेस है, अगर आप उसको उस तरीके से समझना चाहिए, दो आई डू नॉट इंटेंड टू यू नो हर्ट एनीबडीज फीलिंग्स या उनका जो यू नो किसी की तरफ है, बट ये साइकोलॉजिकल इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आप जब ये सोचते हैं, आपके माता पिता को देख के आपको सुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि आपको एकदम से ये लगता है कि कोई है जो मेरे लिए यहाँ पे वो थिंक्स द बेस्ट फॉर मी, वही फीलिंग एग्जैक्टली ट्रांसलेट होती है व्हेन वी प्रे, व्हेन वी लुक अप एट समथिंग लाइक गॉड, कि देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर एवरीथिंग, और वो अगर मैं सही चीज करूंगा तो मेरे साथ सही ही होगा। सो इट हैज साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, बट अगेन एज रिचा सेड, इट इज बिलीफ,
पूजा तब मायने रखती है या कोई भी भक्ति तब मायने रखती है जब आपके अंदर वो भाव हो. तो अगर माता जी जबरदस्ती करा रही हैं तो बिलीव मी इट विल नॉट हैव मच वैल्यू, बिकॉज उसको वो टाइम वेस्ट लगेगा, वो उसके लिए एंग्शियस हो जाएगा कि अभी मम्मी पकड़ के बोलेगी ये करो जी. सो मैम आप पैसा मत कीजिए, बच्चे में वो भाव अगर है तो कराइए, नहीं तो जबरदस्ती इस टाइम पे उसके साथ कुछ नया मत शुरू कीजिए. तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. मैं अंकुर है. अंकुर जी आप कौन सी क्लास में हैं? 12. अपना क्वेश्चन बताएं. अपना क्वेश्चन दोहराएं अंकुर जी. अंकुर जी हम आपका प्रश्न समझ नहीं पाए, आप हमारी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर कमेंट कर अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं जी. जो बिजनेस जी 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 बताएं अंकुर, अपना आप अपना प्रश्न बताएं. बिजनेस स्टडीज लेकिन सवाल हम कम्प्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं. तो अंकुर जी आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड योर क्वेश्चन ऑन आर ईमेल आईडी विच इज ciet.kishoremunch@gmail.com. और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है डिम्पी जी का. सुनीला जी मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दैट. लॉन्गर द आंसर द मोर आई विल स्कोर, इज इट ट्रू? किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स तो उसके वर्ड लिमिट से ही होते हैं. आपने कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है, सम अप किया है, उसके मेन पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, मार्क्स उसी से मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप ज़्यादा, 6 मार्क्स का है तो उसमें आप 6 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो ये तो सिर्फ इतना है कि आपको वर्ड लिमिट्स फॉलो करनी है. डॉक्टर रुचि, काफ़ी बच्चों का प्रश्न है लेकिन बीना महतो जी ने प्रश्न भेजा है. स्वेटिंग हो जाती है उनके हाथों में and they are facing difficulty in writing exams. Sweating actually is a sign of anxiety. आप pressure में आ रहे हो, which is very normal. इसमें आपको कुछ conscious होने की या guilty feel करने की बात नहीं है, it's very normal. होता है, इस समय change of season भी है तो हम लोग protection के लिए कभी कभी ना मम्मी बोलेगी, आपको भी लगेगा कि wear something. सुबह थोड़ा ठंड लगता है, you wear enough. और बाय द टाइम इट इज 11 आप थोड़ा गर्मी फील करने लगते हो, बट एग्जाम के फ्लो में यू डोंट रियलाइज यू आर फीलिंग हॉट. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर एंग्जाइटी है या ओवर ड्रेसिंग है, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. कीप अ हैंकी विद यू एंड कंटिन्यू ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर. और कुछ इसके लिए ज़्यादा नहीं कर सकते, बट ये 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. राइट, बट डॉक्टर रुचि यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है वो हैंकी लपेट करके एग्जाम लिखते हैं, जिससे उनका कहना है कि स्पीड जो है वो कम हो जाती है. तो कुछ ऐसी टेक्निक है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस पे तो मतलब फॉर श्योर उनका कंट्रोल नहीं है क्योंकि स्वेटिंग हो रही है. तो कुछ ऐसी टेक्निक, इसीलिए आई वाज सेइंग कि हैंकी रखिए, उसे लपेटिए मत. डेफिनेटली वो स्लिप करेगा, वो गीला होगा, फिर वो गीला होगा, फिर आप उसे बार बार बांधेंगे. बट यस, व्हेन यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग बिटवीन योर 2 पॉइंट्स या बिटवीन योर 2 आंसर्स, जस्ट पिक अप दैट हैंकी, वाइप योर हैंड एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन. जी ऋचा जी, यहाँ पर प्रश्न है मेघा जी का. इज वाइटनर अलाउड इन बोर्ड एग्जाम्स? वाइटनर अलाउड या नहीं अलाउड की तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ना यूज करें ये ज्यादा अच्छा है. ओके, कि वाइटनर यूज नहीं करना चाहिए. अगर आपको कहीं पर कुछ करेक्शन करना है तो जस्ट एक लाइन से कट कर दीजिए उसको जी, और आगे सही आंसर अपना या सही वर्ड जो भी लिखना है वो लिख दीजिए. दैट्स इट. ओके, सुनीला जी यहाँ पर विशेष जी का प्रश्न है, लेट नाइट स्टडीज के दौरान किस तरह का खाना हम खा सकते हैं? लेट नाइट, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फुल होकर ना खाएं. जब अगर आपको ये लग रहा है कि अभी थोड़ी भूख बाकी है, दैट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टॉप, क्योंकि जब आपका ज़्यादा पेट भरा होता है तो आपको अच्छी नींद आती है जी. तो पहले तो थोड़ा कम खाएं. उसके बाद ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स ना खाएं, क्योंकि उससे भी नींद ज़्यादा आती है. डाइट अपनी बैलेंस लें, उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए. दही भी लीजिए और इसमें पल्सेस लीजिए, क्योंकि पल्सेस के अंदर विटामिन बी हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, उनके अंदर भी विटामिन है और उनसे इट इज़ प्रूवन टू हेल्प मेमोरी, फोकस, योर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ. और साथ साथ मैं ये तो कहूँगी कि एग्ज़ाम से रात को आप थोड़ा कम खाएं, लेकिन
जब आप पढ़ाई कर रहे हैं शाम से ही या फिर दोपहर में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप वॉलनट्स खा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, और फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं आप क्योंकि वो भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. उसे आप डायरेक्टली नहीं खा सकते, उसे सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं. या फिर पानी बहुत पीना है आपको, जितना पानी आप पियेंगे उतने अलर्ट और अवेक रह सकेंगे आप. तो और रात को थोड़ा कैफीन अवॉइड करें. जी चलिए सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. मैं पीयूष वाचनी हूं. जी पीयूष, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th में हूं. जी अपना क्वेश्चन बताएं. मैम मुझे ये पूछना है, मैम मैं क्लास 10th में हूं और मैम मेरी राइटिंग बहुत खराब है. जी तो मैम मुझे कोई तरीका है राइटिंग साफ करने का? ओके डॉक्टर रुचि. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज द ओनली आंसर आई हैव. आजकल हम लोग का मतलब हम लोग भी इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं जी, फोन्स आ गए हैं. सो यू ऑल यू नीड टू डू इज टैप 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 एंड अच्छा साफ टाइप होता जाता है जी. इसलिए हम लोगों ने सबने लिखना थोड़ा कम कर दिया है. और ये प्रॉब्लम बच्चों को ज्यादा होती है इसलिए क्योंकि एग्जाम तो देना ही है और वो रिटन पेन एंड पेपर पे ही देना है. इसलिए एग्जाम के महीना दो महीना पहले प्लीज स्टाप. ये जब आप सैंपल क्वेश्चंस हम लोग बार बार बोलते हैं ना, दे पर्पस इज दैट. एक आपकी हैंडराइटिंग आपको समझ आती है कि मेरी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है. एक आपको अपना टाइम फ्रेम समझ आने लगता है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूरा कर पा रहा हूँ. इसलिए राइटिंग इज राइटिंग, डू लॉट ऑफ राइटिंग एंड यू विल सी द चेंज इन योर हैंडराइटिंग. राइट ऋचा जी, यहाँ पर प्रश्न है हिना जी का एंड शी इज आस्किंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैप क्वेश्चंस. यू टॉक्ड अबाउट इट सम टाइम्स बैक. यस, मैप क्वेश्चंस में दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के लिए और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के लिए. हिस्ट्री में जैसा कि एक ही चैप्टर असाइंड है जिसमें आपको मैप प्रिपेयर करना है, तो और उसमें चैप्टर के अंदर जितने भी प्लेसेस बताए गए हैं जो किसी स्पेशल इवेंट से रिलेटेड हैं केवल उन्हीं को तैयार करना है. तो ऑब्वियसली वो 10 to 12 प्लेसेस हो जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी है. जहाँ तक ज्योग्राफी का सवाल है, ज्योग्राफी के लिए जिस तरीके का पैटर्न देखा जा रहा है तो जो लास्ट के चैप्टर्स दिए गए हैं ज्योग्राफी के बुक में, स्पेशली जिसमें कि आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टील आयरन स्टील प्लांट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं, इन चीज़ों को अगर हम तैयार करते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, इनको तैयार करते हैं तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं. मैप के लिए जनरली लोकेशन मार्क करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो मैप में, क्योंकि अब स्टेट वाइज जो डिवाइडेड मैप है पॉलिटिकल मैप ही दिया जाता है, तो उसमें आप अपनी लोकेशंस अपने हिसाब से अपने अंदाजे से बना सकते हैं. अदरवाइज आप स्केल का यूज कर सकते हैं. स्केल से आप थोड़ा बहुत जो मेजरमेंट करके एक रफ आइडिया ले सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं. जी तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. आयुष पांडे. जी आयुष, आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 12. जी अपना क्वेश्चन बताएं. जी मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्लास 12 फिजिक्स एक हफ्ते में कैसे नाम पूरी तैयार करें. इतने सारे नाम डेरिवेशन पे और फार्मूला आ गया उसमें, कैसे याद रखने को. जी डॉक्टर रुचि, क्लास 12 फिजिक्स एक वीक में कैसे सारा प्रिपेयर करें? आयुष जी का नहीं हो सकता. आपने प्रेपरेशन साल के शुरू में शुरू की थी और अगर आप ध्यान देंगे तो आपने बड़े सारे टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरलीज दिए होंगे जिसमें आपने सब प्रेपरेशन की थी. तो ये कहना कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, हफ्ते भर में ही करनी है, तो ये सही भी नहीं है और वास्तविकता में ऐसा है भी नहीं. सो प्लीज लुक एट व्हाट यू डिड वेल इन, क्या चीज़ें आपने अच्छे से कर ली थी, किसमें आपका मार्क्स अच्छा आया था, क्या क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, किन चीजों में आपकी कमी रह गई थी, उन कमियों को पहचान के उन पे थोड़ा काम ज्यादा कीजिए और जो चीजें आती हैं उनको रिवाइज करते रहिए एट रेगुलर इंटरवल्स. जी सुनीला जी, यहाँ पर अगेन डाइट से जुड़ा हुआ प्रश्न है फारूक जी का. एग्जाम के दौरान क्या खाना चाहिए क्योंकि पूरे टाइम हम बैठ के पढ़ाई करते हैं? उसके लिए बहुत हेल्दी स्नैक्स लेने ही अच्छे होंगे. मैं ये खासकर मना करूंगी कि कोई मैदा या प्रोसेस्ड फूड्स या चीजी फूड्स तो अवॉइड करने ही हैं. हम We have also prepared a slide. इस बच्चे इसको भी देख सकते हैं. जैसे फ्रूट्स हैं. बहुत अच्छा आइडिया है कि आप पूरे दिन बनाना खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, एप्पल खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं. लेकिन इसके साथ ये भी बताना जरूरी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो हर वक्त चॉकलेट टॉफी खाते रहते हैं,
तो उसमें डार्क चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नीशियम होता है, अगर आप इसे खाएंगे तो काफ़ी अच्छा फील होता है, बट इसे बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट ये आपको थोड़ा अलर्ट अवेक बनाता है. और आप खा सकते हैं जो होल व्हीट के रोस्टेड स्नैक्स हैं, या फिर मतलब होल सीरियल्स के आप स्नैक्स खाएं जिससे आपको प्रोटीन मिले, एनर्जी मिले, और शुगरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स या फिर कोई कैंडीज, ये सब चीज़ें अवॉइड करें. जी, इनफैक्ट वो सिंपल लॉजिक, इफ आई मे ऐड, घर का सिंपल खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए. डबल बैरल है, बाहर का खाने में आपको पता नहीं क्या है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं. दूसरे, ये जो घर की चीज़ें बनती हैं, ये मम्मी लोग जानते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या फंक्शन करता है, उस हिसाब से वो आपको ऑफर करती हैं. प्लीज़ स्टिक विद व्हाट योर मदर गिव्स यू, दैट इज द बेस्ट. तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे एक कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. जी, मैं अरुण कुमार. जी अरुण, आप कौन सी क्लास में हैं? जी मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ. आप कौन सी क्लास में हैं? जी 9th. जी अपना प्रश्न बताएं अरुण. जी मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुझे ईमेल पढ़ने का मन नहीं करता है, इसके लिए क्या करूँ? जी अरुण जी, क्लास 9th में है, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता है. अरुण जी, अक्सर हमको वो काम करने का मन नहीं करता है जिसमें हमें महारत हासिल नहीं होती है, पर अच्छी बात यह है कि अभी आप नवी कक्षा में हैं और आप अपने कमी को या दिक्कत को समझ रहे हैं, तो इसलिए जो दिक्कतें हैं उनको फेस करिए, उनसे भागिए मत, क्योंकि अल्टीमेटली भागने से बात बनेगी नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही है. और आजकल जीवन और हमारा ग्लोबल विलेज बोलते हैं, तो इंग्लिश डज हैव इट्स वैल्यू. आप अक्सर हम लोग बताते हैं अपने ये डिस्कशंस में कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अगर पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ना बहुत टीडियस लगता है तो ओपन आप चैनल्स, टीवी तो आप देखते ही होंगे, तो वो चैनल्स देखिए जो आपको इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं. सुन सुन के बहुत अच्छा याद होता है, दैट विल हेल्प यू. और डिक्शनरी हैंडी होने में कोई आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रेशर आता है. कुछ शब्द अगर ऐसे लगते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, उनको खोल के उनका मतलब समझिए. 2-3 महीने सिर्फ आप ये काम करिए एंड यू विल सी अ सी चेंज इन योर लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट. राइट, सुनीला जी कुछ पॉइंट्स. मैं जस्ट इट जस्ट मेड मी रिमाइंड वन स्टूडेंट, उसकी स्पेलिंग्स बहुत ख़राब थी, तो मैंने उसको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताए, जैसे कि आई के बाद हमेशा ई आता है, लेकिन सी के बाद हमेशा, अगर आप देखें कि एक एक्सेप्शन है, सी के बाद अगर आप देखें तो हमेशा ई और आई आता है. तो अगर हम बच्चों को कुछ इस तरीके की बुक्स दिलवा दें जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो उनसे हम बार बार पूछ सकते हैं, तो उनका दे विल बी एबल फोर्स्ड टू यूज़ द माइंड कि इसके बाद क्या आएगा. तो हो सके तो आप उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करें, या फिर अगर कंप्यूटर हम बच्चों को करने से मना करते हैं तो वो ब्लॉग्स में कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिससे उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, ग्रामर को वो समझ सकें, तो ये टेक्निक्स ज़्यादा अच्छी हैं इंग्लिश को अच्छी बनाने के लिए. जी ऋचा जी, यहाँ पे श्री जी ने प्रश्न पूछा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स को प्रॉपर वे में अलाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो शीट मिलती है वो हॉरिजॉन्टल होती है. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी आंसर को कभी भी कैसे भी लिख सकते हैं. अपना जो हमें आंसर बुक मिलती है वो इसी हिसाब से मिलती है कि आपके आंसर्स उसमें अच्छे से आ सके. जी एक मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉन रहता है उसमें, उसके बाद आप अपना आंसर लिख सकते हैं उसमें. जैसा कि थोड़ी देर पहले मैम बता रही थी कि वन मार्कर्स जो भी हैं उनके लिए आप अपने स्पेस को छोड़ सकते हैं. इसके बाद आप जो भी आंसर करना चाहें, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर उसको कर सकते हैं. जी और बस ये रखें कि टू द पॉइंट आंसर लिखें, बहुत लेंदी आंसर्स की जरूरत नहीं है. जी तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. नमस्कार, मैं सुरेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ. जी सुरेश जी, आप कौन सी क्लास में हैं? जी आप दोबारा से दोहराएं, आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं वर्ग 3 टीचर की तैयारी कर रहा हूँ. जी आप बताएं अपना प्रश्न. मैम मैं जब भी पढ़ाई करने में तो नींद ज्यादा से आती है, मतलब जैसे पुस्तक लेके बैठता हूँ तो नींद आती है ज्यादा. जी तो मतलब टाइमिंग से किस टाइमिंग में पढ़ाई करना चाहिए और टाइमिंग में जाना था कि ये कहीं कार्यरत है कुछ कर रहे हैं. सुरेश जी आप कहीं वर्किंग है? मैम वर्क तो भी करता हूँ मैं. क्या जी करते? क्या काम करते हैं आप बता पाएंगे? मैं रिसेप्शनिस्ट हूं, मैं आया हूं इंदौर में. जी अच्छा,
देखिए आप काम भी करते हैं प्लस आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप ऑफिस से या अपने कार्य करके जब वापस आते होंगे तब बैठ के पढ़ाई करते होंगे। कोशिश करिए कि इस टाइम को बदल के थोड़ा सुबह जाने से पहले कीजिए, और जब आप जो जॉब आपका प्रोफाइल है दैट इज़ वेरी डिमांडिंग बिकॉज आप हमेशा फ्रंट डेस्क पे हैं, कोई ना कोई आता रहता होगा, स्ट्रेस आउट होते होंगे, थकते भी होंगे ऑफकोर्स, तो शाम को जब आप वापस आते हैं आइए, थोड़ा कुछ खाइए, थोड़ा सा वॉक लीजिए, कुछ एक्सरसाइज अगर करने का शौक रखते हैं वो करिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। हो सके तो चल चल के पढ़िए इनिशियली टू गेट योर सेल्फ इनग्रॉस्ड इन द सब्जेक्ट एंड स्टार्ट इंजॉइंग इट। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपको उसमें रुचि हो जाए और आपको उसे पढ़ने का मन करे तब आप बैठ के पढ़ना शुरू कीजिए। दीवार के सामने ना बैठ के पढ़े, छोटे छोटे टिप्स हैं, विंडो के सामने बैठ के पढ़िए जिससे आपके आंखों के आगे कुछ मूवमेंट होता रहता है, तो दैट मेक्स यू लेस स्लीपी। राइट सुनीला जी, कुछ पॉइंट्स ये ऐड में करना चाहूंगी कि अगर वो बेड पे बैठ के तो पढ़ाई नहीं करते कहीं, क्योंकि अगर बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे स्लाउच होते जा रहे हैं और साथ में क्विल्ट भी है तो डेफिनेटली उनको नींद आने लगेगी जी। तो थोड़ा बैठिए चेयर पे, कोशिश करें कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें। लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से जब आप देखते हैं कि आपके आसपास सभी लोग पढ़ रहे हैं तो आप अलर्ट रहते हैं जी। तो हमें अंकुर राय जी का प्रश्न मिल गया है जो कि उन्होंने कुछ देर पहले हमें कॉल किया था। सो ही वॉज आस्किंग अबाउट बिजनेस स्टडीज याद नहीं कर पाते हैं, तो कुछ टिप्स बता दीजिए डॉक्टर रुचि। किसी भी सब्जेक्ट को मेमोराइज करने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो मुश्किल आएगी आपको। आप अगर उसको रियल लाइफ से अपने एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके उसका थ्योरी या उसके फॉर्मूलेज या उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको डेवलप कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो मोनोटनी होती है वो ब्रेक हो जाती है। एक चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं बनती है, वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है, नॉलेज। एंड व्हेन समथिंग इज एडिंग टू योर नॉलेज और योर लाइफ स्किल तो उसका वैल्यू बढ़ता है और दिमाग का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो उसको अपने रियल लाइफ से लिंक कीजिए और देखिए कि जो टेक्स्ट में कहा जा रहा है वो आपके जीवन को या आपकी समझ को किस तरीके से सुधार रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा जी। तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। स्नेहा। जी स्नेहा, आप कौन सी क्लास में हैं? एट। अपना क्वेश्चन बताएं। कुछ नहीं है कि एसएसटी में जो मैप होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो उनको इजीली कैसे करें कम टाइम में? जी तो मिस ऋचा, कम टाइम में हिस्ट्री ज्योग्राफी के मैप्स कैसे सॉल्व करें, ये प्रश्न है स्नेहा जी का। वही जवाब कि प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती। बजाय एक मैप को कम्प्लीटली तैयार करने के, बेहतर है कि आप एक एक दो दो प्लेसेस अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि आज मैं 3 places या 4 places ही तैयार करूँगी, और उन 3 places को, उन 4 places को ही रिपीटेडली जी उसको मार्क करते रहिए, लोकेट करते रहिए। एटलस से अपनी बुक्स में दिए गए हैं मैप, वर्कबुक आती हैं, वर्कबुक पे लोकेट करते रहिए। और कई प्लेसेस ऐसी हैं जिनमें आपको एक ही प्लेस पर कई सारे आंसर्स होते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन प्लेसेस को आप एक जगह पर कर सकते हैं। उसको जब आप एक साथ कंपाइल कर लेते हैं, एक जगह पर रख लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है, आपको लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी तैयार हो गए जी, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ाता है जी। सुनीला जी, यहाँ पर श्री तप जी का प्रश्न है एंड ही इज आस्किंग अबाउट द सजेशन एंड टिप्स फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन एंड एक्यूरेट आंसर इन इंग्लिश एग्जाम। जैसा कि मैंने अभी सेशन के पहले भी बताया था कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज करिए, एग्जाम्पल लीजिए कि एक पोस्टर बना रहे हैं, तो पोस्टर में कलर्स तो यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो आपको पेंसिल से ही पहले अच्छे से बॉर्डर बनाएं, बाउंड्री डबल कर सकते हैं आप, उसमें आप छोटी छोटी पिक्चर्स डालिए। सपोज करिए ये पोस्टर है अवॉइड क्रैकर्स या फिर बैनिंग ऑफ द क्रैकर्स, तो वो छोटे छोटे क्रैकर्स बनाएं, थोड़ी अच्छी छोटी छोटी ड्राइंग्स उसमें इंक्लूड करें, हेडिंग्स थोड़ी कैप्टिवेटिंग डालें, अट्रैक्टिव डालें, स्लोगन्स डालें उसके अंदर। तो बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करनी होती है इंग्लिश के उसमें, और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो सिंपल हैं। इंग्लिश के एग्जाम में कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स डालेंगे तो अच्छा होगा, जबकि डिफिकल्ट से ज़्यादा सिंपल वर्ड्स होने चाहिए जो हर कोई समझ सकता है। और इससे ज़्यादा तो कुछ खास बातें हैं।
यहाँ पे डॉक्टर रुचि हमारे पास प्रश्न है निर्मला जी का, हु इज अ मदर एंड शी इज सेइंग कि माय चाइल्ड इज विजुअली चैलेंज्ड और उनका एग्जाम कोई और लिखेगा, तो इस केस में किस तरीके की गाइडेंस आप देना चाहेंगे? जो भी एग्जाम लिखेगा उससे बच्चे का जो रिलेशनशिप और समझ है उसको थोड़ा सा नर्चर करिए, सो दैट द कम्फर्ट लेवल इज देयर. अगर वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जी, और अंडरस्टैंडिंग से स्पीड और ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं कि वो क्या कैसे बोलता है, वर्ड्स के प्रोनंसिएशन समझ में आते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग के जिसमें यू कैन हेल्प. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ योर चाइल्ड हु इज प्रिपेयरिंग, वो सिर्फ लिख रहा है जो वो बोल रहा है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बस उसके दोनों का जो तारतम्य होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अगर वो सहज है और बंध चुका है तो आई थिंक इन दिस मैटर दैट इज इनफ. राइट. ऋचा जी, यहाँ पे इशिता जी का प्रश्न है, शी इज आस्किंग कि मैं एग्जाम हमेशा 30 मिनट पहले जो है लिखकर खत्म कर देती हूँ, तो ऐसे केस में मुझे एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाना चाहिए या वहीं बैठे रहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है कि अगर जल्दी खत्म हो जाता है एग्जाम, इससे एक फायदा ये मिलता है कि आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं जी. आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं अपना पेपर, और बेटर है कि आप अपना रिवाइज करें पेपर, क्योंकि जब हम अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं. जब हम रिवाइज करते हैं, और 30 मिनट्स अच्छा टाइम है, जब आप एक एक क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसमें आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, तो आपको अच्छा मौका मिलता है कि आप अपना उस समय पर ही करेक्शंस कर सकते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि हम जब आंसर लिख चुके होते हैं तो हमें लगता है ये तो मैंने ये लिखा है, मुझे पता है, लेकिन जब हम उसको रीड करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने कोई वर्ड मिस कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. तो ऐसे में बेहतर है कि आप उसको रिवाइज करें, और आंसर पता होने के बाद, क्योंकि आपने ही लिखा है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उसको पूरा रीड करें, तब आप अपनी गलती अच्छे से समझ पाए. सुनीला जी, आई कम बैक टू यू. इससे पहले हम अपने कॉलर के साथ जुड़ते हैं. नमस्कार, अपना नाम बताएं. मेरा नाम सदफ है. जी, अपना नाम बताएं. मेरा नाम सदफ है. सदफ जी, अपना प्रश्न बताएं. मेरा प्रश्न ये है कि मुझे केस वगैरह याद नहीं कर रहे. अपना प्रश्न दोहराएं. मेरा प्रश्न ये है कि मुझे इसमें डेट वगैरह ना, हिस्ट्री में डेट्स नहीं याद होते. जी, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th क्लास में. जी, 10th क्लास में हैं. हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं होती. उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर लीजिए. आप अपने आप से अपने नोट्स बनाकर उनको तैयार कर लीजिए. जो ईयर वाइज एक साथ इवेंट्स हुए हैं उनको एक जगह पर तैयार करिए. और अच्छा है अगर आप अपने लिए कुछ कोट्स तैयार कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है. हालांकि इस बार हिस्ट्री का जो भी 10th क्लास में है, जैसा उन्होंने बताया, तो बहुत ज़्यादा डेट्स उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत लिमिटेड डेट्स हैं, इसलिए वो अपना एक अच्छा चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं ईयर वाइज, और उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं. जी, आपने कुछ फॉर्मेट की बात की थी अभी इससे पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पे आंसर्स की आपने बात की. अगर आंसर शीट की बात करें तो कभी कभार क्या होता है, बच्चे लिख लेते हैं और 30 मिनट का उन्होंने बताया पहले एग्जाम फिनिश कर दिया, लेकिन बाद में दे रियलाइज कि कुछ क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, दे आंसर समथिंग एल्स, और वो आंसर शीट के बीच में है. मान लीजिए सेक्शन बी का प्रश्न है, वो उनका आंसर किया गया, तो अब ऐसे में क्या करें? अगर एंटायरली डिफरेंट आंसर लिख दिया है तो आप उसको कट करके आगे अपना आंसर, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है तो आप ऑब्वियसली अपना आंसर कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, तो जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइन का गैप दे दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. तो ऐसे में आप जब ऐड करते हैं तो आपको जगह मिल जाती है, अपनी स्पेसिंग काफ़ी अच्छी होती है लाइंस की. जब आप हैंडराइटिंग आप अपनी ऐसी रखिए जो उसके लाइंस में बीच में आए, पूरी लाइंस को, दोनों लाइंस को कवर ना करती हो, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कोई भी चीज़. जी, और इसी के साथ चलिए एक प्रथम आहूजा जी का प्रश्न है डॉक्टर रुचि, एंड ही इज सेइंग ही इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट फॉर अबाउट 12 आवर्स क्योंकि ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th में. तो प्रथम नाम बताया आपने. प्रथम जी से बस यही अनुरोध है कि जो चीज़ अभी आपके सामने है पहले उस पर आप फोकस कीजिए, और कट द थॉट कि अभी IIT JEE भी है और इसमें अच्छा नहीं किया तो कैसे होगा,
फिर अभी ये पढ़ाई करूँगा, ये IIT JEE के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये ख्याल मत आने दीजिए। अभी बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली जब IIT JEE का टाइम आएगा तब आप उसके तरीके से और उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से चीज़ें पढ़िएगा, वरना आप दोनों को अगर मिला के चलेंगे तो ऑब्वियसली पहले तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा और सेकेंडली आपका डिविएशन होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, आप हर चीज को दो पलरों में रख के चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज फोकस ओनली ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर नाउ, और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी JEE में जरूर काम आएगी। जी, तो इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिंस है। जी प्रिंस, आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 10th। जी, अपना प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न है कि जो लेटर फॉर्मेट है उसमें हमें सैल्यूटेशन पहले आएगा या सब्जेक्ट? जी मिस सुनीला, सब्जेक्ट पहले आएगा, सैल्यूटेशन बाद में आएगा, और सैल्यूटेशन में आप सर भी लिखेंगे, मैम भी लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। जी, तो इसी के साथ अगला प्रश्न है विकास शुक्ला जी का। रिचा मैम जी से प्रश्न है, कैन डेकोरेशन विल हेल्प अस टू गेट गुड मार्क्स? डेकोरेशन क्या कलर स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आप केवल ब्लू पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं जी, और प्रेजेंटेशन मैटर करता है लेकिन कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्स यूज़ कीजिए या बहुत ज़्यादा हेडिंग्स वगैरह आप अलग अलग तरीके से लिखिए। फॉन्ट आप केवल फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जब आप हेडिंग डाल रहे हैं तो आप टोटल कैपिटल लेटर्स में हेडिंग डाल सकते हैं और आगे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं जी। तो प्रेजेंटेशन मैटर तो करता है लेकिन कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सुनीला जी, पवन कुमार जी का प्रश्न है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्ट करने वाली काफ़ी सारे एलिमेंट्स है आसपास, तो उससे कैसे बचा जाए? पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उनको डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से होता है। क्या उनका ध्यान इस पे रहता है कि उनके फ्रेंड्स खेल रहे होंगे या उनका मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक दो चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल मोबाइल यूज़ करने से तो मना नहीं करेंगे। आप अपने टाइम आवर्स फिक्स करिए, क्लॉक पे ध्यान रखिए, और अपने ही आपको री इन्फोर्स कर सकते हैं जब आपने आज का टारगेट अचीव कर लिया है, तो मे बी फॉर हाफ एन आवर यू कैन यूज़ मोबाइल। और अगर आपको लगता है कि घर में दूसरे लोग टीवी देख रहे हैं या फिर घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो आप पढ़ाई करते वक्त अपना डोर बंद रखिए, कोशिश करिए कि आप दूसरी तरफ ना देखें। विंडो के साथ बैठ के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे सनलाइट में सोख होती है, वो तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ पर तो वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन उस वे में ना हो जी, तो कर पाएंगे आप पढ़ाई। डॉक्टर रुचि, फोकस कैसे कर पाएं बच्चे, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि उनका प्रश्न ये भी था फोकस कैसे करें। फोकस करने के लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज ये हैं कि देर आर लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट एंड ऑनलाइन, अच्छे कोट्स होते हैं, देर आर अच्छे इंस्टेंसेस रिटन, कुछ नहीं है तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही बड़ा यू नो मोटिवेटिंग हो सकता है। आपके अपने प्रति कुछ कमिटमेंट्स हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, या मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, या मेरा जो आइडियल फिगर है वो कौन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी चीज़ें अपने आसपास रखें, लगाएं, और जब भी आपका मन थोड़ा विचलित हो या डिस्ट्रैक्ट हो तो उस पर फोकस करें, दैट विल ब्रिंग यू बैक ऑन ग्राउंड। राइट, यहाँ पर आनंद कुमार जी का प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है हमारे ईमेल आईडी से, और उनका प्रश्न है, हमें किस प्रकार से कक्षा 12वीं की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो हम काफ़ी जोश से पढ़ते हैं, धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगता है, एंड ही हैज सीन द सेम इन हिज फैमिली। सो डॉक्टर रुचि, कैसे बचा जाए इससे? कक्षा 12 और 10 के साथ डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज द एडोलेसेंस फेज ऑफ लाइफ, एंड आपके शरीर शारीरिक तौर पे, आपके मानसिक तौर पे, आप उस समय बिल्कुल इन कंट्रोल फील करते हैं, और इन कंट्रोल फील करने का फॉलोआउट ये होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ करना है, स्पोर्ट्स भी अच्छा करना है और पढ़ाई भी अच्छी करनी है और रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपने आप को बांट देते हैं, और फिर किसी एक चीज़ पर ज़्यादा टाइम देने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट।
आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है, किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, चाहे वो मोबाइल फोन हो या आपका कोई स्पोर्ट्स हो, किसी को चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है. यू हैव टू बैलेंस इट आउट, एंड बैलेंसिंग इज वेरी ट्रिकी बिजनेस. ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको पीयर ग्रुप का भी सपोर्ट चाहिए, इसमें आपको माता पिता का भी सपोर्ट चाहिए, इसमें आपको सबसे पहले स्वयं का सपोर्ट चाहिए. मेक योर टारगेट क्लियर. आप 12वीं में हैं, लिख दीजिए ये मेरा एजेंडा है, आई नीड टू गेट दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स. उसको देखिए और वो आपको कीप ऑन द ट्रैक. फिर टाइम टेबल फॉलो कीजिए. आप साल के शुरू से टाइम टेबल बनाइए कि मेरा पिछले साल 11वीं में ये सब्जेक्ट में परसेंटेज कम था और इसकी वजह से मेरा ओवरऑल परसेंटेज कम हो रहा था, तो इस साल मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा. और इस तरीके से जब आप अपने टाइम टेबल को ओवर द ईयर प्लान आउट, रीफ्रेम, रीएडजस्ट करेंगे अपनी चीज को, अपनी नीड्स को ध्यान में रख के, सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू विल बी इन सच अ कंफर्टेबल पोजीशन कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा. जी. और चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं. इंद्रेश यादव जी का प्रश्न है. सुनीला जी, इन एनसीईआरटी बुक्स देयर आर सम टॉपिक्स जिसमें मार्क किया गया है कि दिस इज नॉट मेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, सो आर वी सपोज टू रीड दोस? जो कई बार हम कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे बॉक्सेस थे जो पहले नहीं आते थे, बट अगर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि सिलेबस में नहीं है, तब तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट उन्हें सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके ये पहले सिलेबस में ज़रूर चेक कर लेना है. अगर लिखा है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर है देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम देम फ्रॉम द बिगनिंग इट्सेल्फ. बट सुनीला, आई वुड डिफरेंस डिफर ऑन दिस. देखिए, जब किताब में कोई चीज़ मेंशन होती है, सिलेबस इज वन थिंग, बट अगर आपका आप देखिए चैप्टर में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो उस चैप्टर से लिंक्ड नहीं है. कभी कभी जब आप ये चीजें पढ़ते हैं ना, तो आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है, और आपका सवाल अगर कहीं ट्रिकी आ गया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू आर एबल टू स्कोर ऑन दैट क्वेश्चन. दिए जो छोटे बॉक्सेस हैं, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं डाले हैं. इनके पीछे पर्पज ये है कि एक होता है, यू नो, ऑल देर आर चिल्ड्रन हु आर अबव एवरेज, देर आर चिल्ड्रन हु आर एवरेज, एंड देर आर चिल्ड्रन हु आर स्लो, मतलब उनका थोड़ा सा स्लो होता है. तो जो अबव एवरेज बच्चा है वो क्रेव करता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए. तो ऐसे बच्चों के लिए हमने सोचा कि ये अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करिए. बड़े सारे बच्चों के मन बड़े सारे सवाल होते हैं, एंड नॉट ऑल कैन बी एड्रेस्ड बाय द टीचर गिवन द फंक्शनैलिटीज, प्रैक्टिकलिटीज. तो ये चीजें यूजलेस नहीं है, एंड बिलीव मी, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर बेहतर होगा. और जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट हो गया, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. तो डोंट इग्नोर, अगर टाइम है तो प्लीज स्टडी दैट. एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, जैसे सोशल साइंस की बुक्स में जो पहले पिक्चर्स वगैरह दिए रहते हैं, कार्टून्स बने रहते हैं, सीबीएसई ने इस बार अपने पेपर में ये इंट्रोड्यूस किया है कि दो क्वेश्चंस वो पिक्चर बेस्ड दे रहे हैं. ओके. एक क्वेश्चन ऐसा है जो हिस्ट्री की पिक्चर से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन सिविक से रिलेटेड है. जी. तो ये पिक्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और इनके नीचे जो मैटर दिया रहता है, ये पिक्चर क्या शो करता है, कहाँ से लिया गया है, ये चीजें भी पढ़ना बहुत जरूरी है. जी. यहाँ पर मैं उन्नति जी का प्रश्न लेना चाहूंगी. 18th मार्च क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्जाम है, तो इम्पोर्टेंट टिप्स दें. इम्पॉर्टेंट टिप्स के लिए यही है कि आप अपना जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करें, थोरली रिवाइज करते जाएं उसको, और साथ ही साथ चैप्टर रीडिंग अब तक कर ही ली होगी, और जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, जिस भी तरीके से अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, अगर उन्होंने कुछ सेल्फ नोट्स बनाए हैं या कुछ स्कूल्स के नोट्स हैं, जैसा भी है, तो आप उनको रिवाइज करें. नई चीजों पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए जितना आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं चीज़ों को दोबारा से तैयार करें. 6 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उन 6 दिनों के टाइम को अपने कंटेंट के हिसाब से बांट लें. जो चीजें आपको टफ लगती हैं पहले उन्हें, और जो चीजें इजी हैं उनको बाद के दिनों के लिए रखें, क्योंकि अब जब लास्ट मोमेंट पे आप टफ चीजें पढ़ते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं. जी. यहाँ पर ऋचा जी एक और प्रश्न, जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इन सबको क्या अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. हम ज्योग्राफी को कैसे ट्रीट करें, उसके आंसर्स कैसे लिखें, हिस्ट्री के कैसे लिखें? ये तो इंटरेस्ट पर ज्यादा डिपेंड करता है. कई बच्चों का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, तो वो ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लेते हैं. पर ऐसा नहीं है, वेटेज तो इक्वल है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि आंसर फैक्चुअल होने चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए. जितना ज्यादा फैक्ट्स आप कोट करेंगे उतना अच्छा. जी. डॉक्टर रुचि, हम लोग एनसीईआरटी में अक्सर बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए. जब हम
चीज़ों को डब्बों में सीमित कर देते हैं, तब हमारे को ना रोट लर्निंग पर डिपेंड करना पड़ता है। जब ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम सोशल साइंस पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे लेटर ईयर्स में एडवांस होता है, तब इसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ये भी लॉजिक है कि ये सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। अगर आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे तो एकदम से आपने उसे वास्तविकता से निकाल के किताब पे बंद कर दिया। सो अगर इनको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो बिलीव मी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, आपके लिए यूजफुल ज़्यादा होंगी, और जब आप आंसर लिखेंगे और हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्योग्राफी और सिविक्स डालेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ खुश होगा कि इसने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, इसने कॉन्सेप्ट समझ लिया। राइट। यहाँ पर हमें रिदम शर्मा जी का प्रश्न प्राप्त हुआ है, व्हिच इज द बेस्ट पेन टू यूज इन एग्जाम। सुनीला जी, कुछ आप बोलना चाहेंगे? कोई भी पेन जो अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, जिसका फ्लो रुकता नहीं है, इसके लिए कोई कंपनी वो नहीं है, बस आपका थॉट का फ्लो उसके साथ मिक्स हो जाए, जेल हो जाए, वही बेस्ट पेन है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, या तो बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी राइटिंग स्पीड किससे बढ़ेगी, तो ऐसा भी कुछ है कि इस पेन को यूज करने से कुछ राइटिंग स्पीड बढ़ेगी? डॉक्टर रुचि, आई ऑलवेज बैंक ऑन लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी। कोई पेन नया ब्रांड का या नई डिज़ाइन का आप एग्जाम में मत शुरू कीजिए। एक पेन पकड़िए जिससे आप लिखते रहिए, आपके हाथ की प्लेसिंग से लेके उसको पकड़ने से और फ्लो आपका सेट हो जाएगा बाय द टाइम द एग्जाम डे इज अप्रोच। सो प्लीज डोंट ट्राई आउट न्यू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। एक चीज़ जो आपको कंफर्टेबल लगती है उस पर चिपक के रहिए, दूसरे बच्चे और पेन ला रहे हैं, आप टेम्प्ट होंगे, एग्जाम के बाद जरूर ट्राई कीजिए, बट नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो आज हमने भरपूर प्रयास किया आपके भेजे गए प्रश्नों का उत्तर देने का, और हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सुझाव है तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर्स या फिर ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।